आए हैं घूमने घूमने तो हम लोग सब घूम रहे हैं। ओए लापिनोज है यहाँ पे, कुछ नहीं आप जाओ हम अपने आप देख लेंगे। ओहो दीदी की अच्छी लग रही है, ब्लैक ब्लैक, चुप रह तू। पिज्जा पार्टी रिशु भैया के राज में, रिशु भैया से पार्टी ले रहे हैं उसकी। रिशु अपने ऑफिस में काम करता है, दो साल पहले भी करता था, इसने कभी दी नहीं ना, आठ दिए इसने। तो इससे हम ले रहे हैं पार्टी। सो हम लोग आए हैं सियाल किचन दीदी और के साथ। सडन धप्पा हुआ है, दीदी ने सडन धप्पा दिया हमें। सो ये सियाल किचन है, रोहिणी जो कोर्ट है उसके पास में, मधुबन चौक के पास। और इसकी इसकी खैर सारी खोमचा बढ़िया है, मस्त पावाजी भी बहुत टेस्टी, आप लोग विजिट कर सकते हो। आ गया है नाश्ता पानी। डॉक्टर को मैं इतनी चीज बता दूं, अपने मन में खड़ा ही नहीं रहूंगा यहां पे, अपने मन में साड़ी बड़ा यार बोलेंगे तो बीके डॉक्टर, अभी देखना पूरी चट हो जाएगी, फिर बोलोगे दूसरी भी ले आ। एक सिप कोई पिलाएगा तो मैं भी पी लूंगी। भैया नकुल बता, चार बॉडीगार्ड साथ लेके आए अपने आप को छुड़वाने के लिए लक्ष्मी नगर से यहाँ तक। और वो भी फॉर्च्यूनर में। वो भी फॉर्च्यूनर में, तू है इतना वीआईपी। पूरी खत्म हो गई है कोक जिस पे लड़ाई हो रही थी कि क्यों आई। चलो चलो जबरदस्त। फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बादी में जा रही है। चलो भाई चलो चलो, यही लगती है। प्लेन कुल्फी है, प्लेन हाँ, फलूदा कुल्फी नहीं है। फलूदा कुल्फी तो मेन मार्केट में वहाँ पे मिलेगा, चौक पे। ज्ञानी पे फलूदा होता है? नहीं, ज्ञानी पे होता फलूदा? ज्ञानी पे फलूदा कब होता है? मैं नहीं खाता, मैं आइसक्रीम जैसी चीजें खाता ही नहीं, तो मेरे को कुछ पता भी नहीं। चलो आओ फिर, हमें छोड़ोगे भी तो सही, ज्ञानी तो तब भी जाना पड़ेगा। खिला रही है क्या मेनू हमें? फ्रूट एंड नट फीस, फ्रूट एंड नट ले लो। अरे फीस फ्रूट एंड नट ले लो आप तो। ये वाली क्या फीस फ्रूट एंड नट? ऋषभ ये मम्मी ने पीछे कर ले, फ्रूट एंड नट फीस फ्रूट एंड किशमिश ज्यादा, अम्मा जी मत बन, ये तो सिर्फ चॉकलेट और नट्स होगा। फीस दे दिया है नहीं, ये था बहुत बढ़िया। नहीं फीस फ्रूट एंड नट चाहिए, फ्रूट एंड नट यार, फीस चॉकलेट और ब्लैक फॉरेस्ट और एक ये तीन है। ये क्रैकर लेनी है? क्रैकर नहीं नहीं ये पसंद नहीं है, खाई भी मैंने। मम्मी फिर आपको कौन सी लेनी है? कॉर्नेटो ही दे दे, एक चॉकलेट वाली, एक चॉकलेट कॉर्नेटो, एक बटरस्कॉच कॉर्नेटो भी दे दो। मैं तो बटर स्कॉच करना है, वही तो मम्मी आप बताओ आपका फिक्स नहीं कौन सी है। मम्मी बर्फ वाली ले लो, ऑरेंज लौट के बुद्धू घर को आए, ऑरेंज। भविष्य पैसे दूं या कैश है? दे दिए, दे दिए या दे दियो? अमीर पार्टी है भाई, तू क्या समझ रही है? बटर स्कॉच। चलो भाई मेरा आ गया, चलो भाई अपने आप पे करते रहेंगे, अब चलो हम गाड़ी में बैठे। बहुत टाइम बाद आइसक्रीम खा के मजा आ गया, मेरे को तो बिठाओ, मेरी 5 रुपए तो फ्री कर दे। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। मुझे लगा परिन को बोल रहा, आजा घर आजा। नहीं नहीं मैंने कहा आगे आजा। बाय बाय, मिलते हैं दोबारा, कहीं प्लान करते हैं ठीक है, खाटू श्याम जी वगैरह का प्लान करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए हैं अभी भी, तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट व्लॉग में रिप्लाई करूंगी, तो जल्दी से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई दे देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दीक्षा आप भावेश से बड़ी हो या छोटी हो? तो किसी निशांत जी ने पूछा हुआ है, तो मैं भावेश से 2 साल छोटी हूँ, भावेश मेरे से 2 साल बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी इंडेक्स फिंगर वाली यू शेप रिंग कितने ग्राम की और प्राइस और नंबर की है? तो ये मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितने ग्राम की है,
प्राइस इसका 30 to 35 के आसपास है, और ये मैंने जर्कन में बनवाई हुई है, बट गोल्ड है, बट जर्कन है, क्योंकि मुझे डायमंड लगता था वेस्ट ऑफ मनी, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे डायमंड में नहीं चाहिए, और मेरी जो ये वाली है ये मेरी डायमंड की है, बट ये मेरी जर्कन की है, तो गोल्ड, तो ये 30 to 35 के आसपास बनी थी जिन भी लोगों ने मुझसे पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की कौन सी टैबलेट बताई है डॉक्टर ने, प्लीज शेयर इट। एक सेकंड में लेके आई कौन सी बताई है डॉक्टर ने, ये वाली मेडिसिन गैस के लिए रिकमेंड की है मम्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यही क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब ने कौन सी, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो वो कौन सी रिकमेंड की है, किसी प्रथम जी ने भी पूछा हुआ है, शालिनी जी ने भी पूछा हुआ है, फिर एक सीमा मित्तल जी ने पूछा हुआ है कि स्नेह मौसी की छोटी देवरानी भी इसी घर में रहती है। हाँ जी, छोटी देवरानी भी इसी घर में रहती है, ग्राउंड फ्लोर मौसी का है, फिर उससे ऊपर वाला मौसी की छोटी देवरानी यानी कि पिंकी मौसी का है, फिर सबसे ऊपर वाला अलका मौसी का है। ने भी पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं, तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप अपने डॉक्टर का भी एड्रेस बताइए। तो मैंने ना क्लिप शूट की थी कल, बट पता नहीं क्यों वो व्लॉग में मिस हो गई क्लिप। हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, सावित्री हॉस्पिटल है शकुरपुर में, आप लोग भी दिखा सकते हो जो भी नियर पीतमपुरा वगैरह रहता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे और पापा के फ्रेंड है। तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब बहुत ही पुराने, अम्मा का भी ट्रीटमेंट पूरा उन्हीं से ही चला था। तो पीतमपुरा पंजाबी बाग के पास पड़ता है शकुरपुर, पंजाबी बाग के पास, दिल्ली में पीतमपुरा पंजाबी बाग के पास पड़ता है शकुरपुर, शकुरपुर में सम्राट इनक्लेव है, वहीं पे पड़ता है सावित्री हॉस्पिटल। तो सावित्री हॉस्पिटल के नाम से हमारे डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। फिर से किसी ने रिंग का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किसी ने ये पूछा हुआ है कि हाय आई लाइक योर रिंग, प्लीज टेल ये कहाँ से ली है आपने। तो ये मैंने ऑनलाइन डिज़ाइन निकाला था, एंड फिर उसके बाद जिन भी ज्वेलर्स से हम बनवाते हैं, मतलब हम डिफरेंट बनवाते हैं, कभी किसी से, हमारे कोई फिक्स नहीं है, तो बस हमने डिज़ाइन देके बनवा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारा कब करोगे, आपसे मिलना भी है, नाइस फैमिली। तो भंडारा हमारा कोई फिक्स नहीं होता, हम कभी भी भंडारा कर लेते हैं। एक भंडारा जो एवरी ईयर फिक्स होता है वो आशु भाई का भंडारा होता है, तो वो ताऊ एंड ताई के लिए वो भंडारा करता है एवरी ईयर 6th of April को, क्योंकि 6th of April को ताऊ का बर्थडे आता था एंड ताई की डेथ हुई थी, तो इसलिए 6th of April फिक्स्ड होता है भंडारा, एंड उसके अलावा जो भी भंडारा होते हैं वो हम आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी मम्मी शादी में ज्वेलरी कहाँ से लेती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहाँ से ले। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है संधू किचन के नाम से, उनका यूट्यूब चैनल है, वो कुकिंग वीडियोस डालती हैं, संधू किचन, आई गेस मैंने सही प्रोनाउंस किया। तो काफ़ी ज्वेलरी मम्मी ने वहाँ से भी ली है एंड काफ़ी जयपुर से भी ले लेती है, तो मम्मी की कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है, तो कभी भी हम जाते हैं शॉपिंग करने या कुछ भी, तो किसी भी रैंडम ज्वेलरी शॉप में घुस के जो भी उनको पीस पसंद आता है तो वो वहाँ से परचेज कर लेती हैं। दीक्षा, तुम या राखी जी मेकअप करती हो, वो कैसे करती हो, और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हो, किस किस ब्रांड के होते हैं। मैं बेसिकली जो मैं रेगुलर के लिए, जैसे सपोज छोटी मोटी पार्टी एंड ऑल के लिए, मैं तो खैर बड़ी पार्टीज के लिए भी वही करने लग गई, तो प्रीति ने मुझे गार्नियर की बीबी क्रीम दिलवाई थी, गार्नियर की, बहुत छोटी सी पतली सी ट्यूब आती है, मैंने काफ़ी व्लॉग्स में दिखाई है जब मैं मेकअप करती हूँ, तो मैं बेस के लिए वो यूज़ करती हूँ। लिप शेड जो है मैं न्यूड 1 कोड है मेरे लिप शेड का, मेबलिन की सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक है मेरी, न्यूड 1 NU1, तो लिपस्टिक मैं वो यूज़ करती हूँ, एंड बाकी हाइलाइटर वगैरह मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा मेरा कोई फिक्स्ड नहीं है। और सेम विद मम्मी अपना बेस जो है वो शायद लैकमे का फाउंडेशन यूज़ करती है मम्मी, वैसे मम्मी भी कुछ एज सच कोई मतलब कुछ फिक्स नहीं है मम्मी का भी। तो नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि दुर्गा साड़ी चांदनी चौक में आप प्लीज़ उनका एड्रेस बताओ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम गए थे तो हमने व्लॉग में एड्रेस बताया था, बट अब हमारे पास एड्रेस नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कहाँ पे है। चांदनी चौक में कृष्णा मार्केट की मतलब लेन में ही उनका पड़ता है दुर्गा साड़ी के नाम से,
तो अगर हम नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली एड्रेस देंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे पूछा है। हम लोगों के पास उनके कोई भी पॉली बैग भी नहीं है जिससे हम आप लोगों को एड्रेस दे दें। तो चांदनी चौक नियर कृष्णा मार्केट ही पड़ता है, दुर्गा साड़ी मेन बाहर वाली रोड पे ही है उनका, मुझे इतना याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर का एड्रेस बताइए, ये हो चुका है। एंड प्लीज बड़ी मौसी की दो नंबर वाली देवरानी एंड बुआ जी की फैमिली की डिटेल्स बताना। तो मौसी की जो सेकंड नंबर की जो देवरानी जी है, यानी कि पिंकी मौसी, उनके दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी है मेरी एज की, बेटा छोटा है। बेटी जॉब कर रही है एंड बेटा ये स्टडीज कर रहा है, मेरे को पता नहीं। एंड जो उनकी बुआ की फैमिली है उसमें उनकी तीन बेटी हैं, एक बेटा है। एंड जो मतलब मौसी की जो बेसिकली सिस्टर इन लॉ है, यानी कि अंकिता दी रितिका दी की जो बुआ है, उनके शोरूम है लगन का, आपको पता होगा कोहाट पे भी लगन का शोरूम है, पीतमपुरा में एंड राजौरी में भी है और शायद एक दो जगह और है। तो लगन का जो शोरूम है जहाँ पे भी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो उनकी हैं। और उनकी तीन बेटी हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, एक बेटा है वो छोटा है। तो नेक्स्ट है, मॉडल टाउन दिल्ली की बहू बट ओरिजिनल गांव कौन सा है नई बहू का? तो ओरिजिनल गांव, मम्मी जो ऋषभ की वाइफ आई है वो कहाँ से है, क्या गांव है, पता है कुछ? मेरे ख्याल से अशोक विहार है, मॉडल टाउन की है। मतलब वो मॉडल टाउन की, तो पीछे से गांव कौन सा है? माई सम क्वेश्चन वर नॉट आंसर्ड प्लीज, अलका मौसी माइका विच प्लेस? तो अलका मौसी का जो माइका है, अलका मौसी बेसिकली हरियाणा साइड से हैं, बट एग्जैक्ट उनका मायका कहाँ है हमें नहीं पता, बट अभी करंटली वो लोग पंजाबी बाग रहते हैं, इतना हमें पता है। ब्राइड लहंगा शॉप नेम प्लीज। तो मम्मी ब्राइडल लहंगा कहाँ से लिया था? हमें वैसे कोई आइडिया नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता, मम्मी को आइडिया हो तो, बट जो भी ब्राइडल लहंगा होता है, या मैंने ताने की शादी पे लहंगा लिया था, जो मैंने प्रिया की शादी में भी पहना था, वो हम लोग चांदनी चौक से लेते हैं। पूरी लहंगा मार्केट है चांदनी चौक में, तो हम वहां से परचेज करते हैं। किसी ने बोला भाई कि ये कहाँ और है यहाँ, ये कहाँ और है जगरनॉट प्लीज टेल एंड रेट्स क्या है? तो राजौरी गार्डन में, राजौरी गार्डन के मार्केट में नहीं जाना, बाहर वाली जो लेन है पंजाबी बाग ब्रिटानिया वाला जो पूरा रोड है, उसी रोड पे बाहर ही बीएमडब्ल्यू का शोरूम बना हुआ है हल्दीराम से, वहीं पे है। एंड इसका जो प्राइस है वो करीब 300-350, आपको जो भी सागर रत्न का प्राइस होता है उस रेंज का ही है। नेक्स्ट, सोनिका के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? सोनिका के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट रीजन, बट ये है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या व्लॉग्स बनाऊं, मतलब डेली डेली मेरा कहीं आना जाना नहीं होता, तो उसको बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग्स बनाऊं, इसलिए उसके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। आपके मामा की बेटी कोई भी फंक्शन में नहीं आती? पहली बात तो हमारे घर पे एज इन कोई फंक्शन नहीं हुआ है। रही बात प्रिया की शादी, तो प्रिया की शादी हुई थी लास्ट हमारे घर पे, तो मामा की बेटी मैरिड का बुलाना इज लाइक बहुत दूर का रिश्ता हो गया ताई के लिए, तो इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनता। दूसरा, लेटेस्ट में जो शादी हुई है वो हुई है ऋषभ की, तो सेम ही रिलेशन हो गया कि हमारी ताई या फिर मौसी की देवरानी। तो मौसी की देवरानी के बच्चों की शादी में मामा की, हमारे मामा की बेटी से बुलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। देव की शादी में वो आई थी क्योंकि वो उसके रियल भाई की शादी थी, तो दूर के रिलेशंस में कैसे ही कोई बुलाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो मौसी के दूसरी देवरानी के कितने बच्चे हैं, ये आई ऑलरेडी रिप्लाइड। एंड हाय दीक्षा, आपकी मम्मी जो ज्वेलरी लाई थी जयपुर से वो कौन सी शॉप से परचेज की थी? मम्मी जो आप ज्वेलरी लाए थे जयपुर से वो कौन सी शॉप से परचेज की थी? तो याद भी नहीं होगा मम्मी को। मम्मी जो आप जयपुर से ज्वेलरी लाए थे, हाँ, वो कौन सी शॉप से ली थी? पता नहीं, कोई मार्केट थी वहाँ की, है ना, बिल्डिंग वाली मार्केट थी, बेसमेंट में जाकर के शॉप थी। हाँ, और बिल्डिंग्स की मार्केट बिल्डिंग थी वो, एक पूछना पड़ेगा, ये हमें सच में याद नहीं है, बट जब हमने जयपुर ब्लॉग डाले थे ना, हमने तभी बताया था वो। आपकी बड़ी मौसी और ममता मौसी को बेटा नहीं है कि? नहीं, उन दोनों की दो दो बेटियां हैं। बड़ी मौसी की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। एंड जो गाजियाबाद वाली मौसी है उनकी दो बेटियां हैं, राधिका, राधिका की शादी हमने पूरी दिखाई थी एंड शी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। एंड भावना के लिए हम लड़का देख रहे हैं। ग्रीनवेज शॉप कहाँ पे है? ग्रीनवेज यहाँ पे हमारे पीतमपुरा में भी है, और बाकी और ग्रीनवेज की ब्रांचेस होंगी तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट कोहाट से पहले ग्रीनवेज है, हमारे पास में ही पड़ता है। दुर्गा साड़ी वाले का फुल एड्रेस मैंने बताया कि हमें कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास कोई पॉली बैग भी नहीं है, बट हाँ कृष्णा मार्केट के पास ही पड़ता है, फ्रंट पे ही पड़ता है दुर्गा साड़ी।
मौसी ने शादी वाली साड़ी कहाँ से ली थी और कितने की ली थी? बड़ी मौसी बहुत ही अच्छी लग मौसी ने साड़ी शादी वाली साड़ी कहाँ से ली थी? इसने मौसी ने साउथ एक्स साउथ दिल्ली से ली है बेसिकली मौसी ने, और कितने की ली है ये तो मौसी से ही पूछना पड़ेगा, तो जब भी मौसी से मिलेंगे तो आपको पूछ के बताएंगे। क्वेश्चन जी, दुर्गा साड़ी है सारी कमेंट्स। हाँ, अब आपके घर आशु की वाइफ क्यों नहीं आती है? तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे घर नहीं आती हैं, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ भी फंक्शन होता है या कभी हम कोई भी डिनर प्लान करते हैं तो हम बुला लेते हैं, बट बहुत टाइम से हम ही इतना बिजी थे कि हम एज इन बुला नहीं पाए। एंड लास्ट भी जब मम्मी ने पाव भाजी बनाई थी तो आशु घर पे आया था, वो पापा के साथ कहीं गया था, तो तब मम्मी ने बोला था कि भाभी को भी ले आ, तो बट उसने बोला कि चाची अब मैं क्या लेके आऊंगा, मैं आप पैक कर दो मैं ले ही जाता हूँ, तो इसलिए वो घर ही ले गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब इतने टाइम से आए नहीं, हम भी घर पे नहीं थे तो हम कैसे ही बुलाते। फिर व्हाट हैपन टू योर एरोबिक्स क्लास? चंचली ने स्टूडियो बंद कर दिया है, वो ऑनलाइन सिखा रही हैं, एंड तो स्टूडियो बंद हो गया है तो मेरी क्लासेस भी बंद हो चुकी हैं। अब देखते हैं मैं चंचली के पास रीज्वाइन करूंगी या मैं कहाँ ज्वाइन करूंगी, क्या करूंगी। आई एम प्लानिंग वैसे तो जिम ज्वाइन करूँ मैं, बट मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। और किसी ने पूछा था दीक्षा रेड हुडी कहाँ से ली है, तो जो मेरी रेड हुडी है मैंने लास्ट ईयर चुनमुन से ली थी। सो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इन केस आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई और डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड करंटली आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर देना। अब आप जो भी जिसका भी नंबर मांगते हो, एड्रेस मांगते हो, मेरे पास होता है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली देती ही हूँ। एंड आगे भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो।